आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम एंशियंट रोम के बहुत ही जबरदस्त रूलर जूलियस सीजर की बायोग्राफी का रिव्यू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, वैसे इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से पूरी की पूरी रोम की हिस्ट्री ब्रीफ में, उसके बाद जूलियस सीजर का बचपन, कैसे वो पावर में आया है, उसके बाद गॉलिक वॉर जो आज का फ्रांस और बेल्जियम है, वो सारी चीजें समझाई है, तो उसको जरूर देखिएगा। हालांकि एक छोटी सी समरी मैं अभी दूंगा। रोमन साम्राज्य जो है वो एंशियंट का सबसे बड़ा साम्राज्य और काफी फ्लरिशिंग रहा है, हर चीज को जीतते चले गए थे वो, तो हम इस पे नजर डालेंगे और आगे की स्टोरी देखेंगे। कोई भी लेक्चर हो किसी भी चीज के बारे में, कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज के बारे में, तो मेरे फेसबुक पेज से @educationconnect पे आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। हमारे पेनड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, 50% ऑफ है 30 जून तक, जरूर इसका लाभ उठाइए, कोर्सेज को अवेल कीजिए, यूपीएससी बैंक क्लैट नेट सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ये नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था कि रोमुलस और रीमस ने 7th century BC में रोम को बनाया, उसके बाद रोमुलस ने रीमस को मार दिया, बहुत बड़ा साम्राज्य उसने फैलाने की सोची, मोनार्की स्टैब्लिश हो गई, राजा महाराजा वहां पे रूल करते थे, लोग पक गए, लोगों ने रिवोल्ट छेड़ दिया, उसके बाद रोम को रिपब्लिक बना दिया गया, मोनार्की से सीधे रिपब्लिक, सीधे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, सेनेट बन गई, सेनेट मतलब पूरी की पूरी काउंसिल, जो हाउस ऑफ द बाइकैमरल गवर्नमेंट, अगर आज पे हम देखें जो अपर हाउस लोअर हाउस में जो हमारी पार्लियामेंट डिवाइड होती है, तो वो पूरी की पूरी उन्होंने काउंसिल बना दी, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे, लोगों को कैसे रूल करना है, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म आने चाहिए। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, एक चीज और थी कि रोम जो था वो फैलने लगा, जाहिर सी बात है वो फैलेगा ही, रोम बहुत फ्लरिश कर रहा था 100 बीसी तक, और क्या करता था कि रोम जो है वो जो जो शहरों को जीतता जाता था उनको टैक्स नहीं करता था, आमतौर पे यही होता है, ठीक है, उनको टैक्स नहीं करता था, वो क्या करता था, वो बोलता था चलो मुझे आदमी दो। क्यों? इसे दो चीजें होंगी, पहली आर्मी, अगर आदमी देंगे तो वो आर्मी में भर्ती होंगे, और आर्मी में भर्ती होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी पावर बहुत बढ़ेगी, दूसरी चीज उनको स्लेव मिलेंगे। ये क्यों चाहिए? रोम शहर को बनाने के लिए और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए अल्टीमेटली, और वो कहां से मिलेगी, जहां जहां से वो ब्रूटल कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं। तो भयंकर तरीके से ये कॉन्क्वेस्ट चलती गई, और स्लेव को मतलब जो गुलाम होते थे उनको पकड़ पकड़ के लाया जाता था, गुलामी करवाई जाती थी। इसी में से एक गुलाम स्पार्टकस ने भयंकर तरीके से विद्रोह छेड़ दिया, और उसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जो स्लेव थे, अपनी आर्मी बनाई, प्लंडर करना स्टार्ट कर दिया, रिपब्लिक के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने पोम्पी और क्रेसस जो कि बहुत बड़े जबरदस्त जनरल थे उनको बुलाया, फिर एक सिविल वॉर होता है, पूरी तरह से निस्तना नाबूद कर दिया जाता है स्पार्टकस की सेना को, जो भी उनके स्लेव की सेना होती है, और पूरी की पूरी पावर इनके हाथों में आ जाती है। उसी बीच जूलियस सीजर का जन्म होता है, जूलियस सीजर 16 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, कंट्री वैसे ही सिविल वॉर में रहती है, उसके बाद इसी बीच वो धीमे धीमे एक एक स्टेप लेके पावर में आते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो बहुत ही चालाकी से क्रेसस और पोम्पी के साथ मिलके एक ट्रायम्विरेट बनाते हैं, और जो काउंसिल होती है, जो सेनेट होती है, उसको ब्राइब करते हैं ताकि वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उस समय जिनको गॉल बोला जाता था, वहां पे वो इन्वेड कर सके, ब्रूटल कॉन्क्वेस्ट करते हैं, लोगों को मारना शुरू करते हैं, और गॉल के पूरे एरिया को, जिसमें जर्मन की ट्राइब्स होती हैं, फ्रांस होता है, बेल्जियम होता है, ब्रिटेन होता है, उन सब को कॉन्कर करके वापस आने की फिराक में होते हैं। तो हम आगे देखते हैं, देखिए ये चीज थी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वॉर थी वो 58 से लगभग 50 तक चली थी, 50 बीसी तक चली थी, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो गॉल वॉर थी। पोम्पी इधर क्या होते हैं, जूलियस सीजर का जो कद है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, ठीक है, पोम्पी और क्रेसस ये बहुत बड़े नाम होते हैं, जितनी भी जो भी काउंसिल होती है, सेनेट होती है, वो पोम्पी के अंडर होती है, इनकी बात मानती है, ठीक है। क्रेसस और पोम्पी बहुत इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, पोम्पी के पास मिलिट्री पावर होती है, क्रेसस के पास पैसे की पावर होती है, उसी का यूज करके ये गॉल को इन्वेड कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि पोम्पी जलने लगते हैं जूलियस सीजर से, ठीक है, उनको पता होता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये तो इंसान सब कुछ खत्म कर देगा, मुझे खत्म कर देगा, रोम को हथिया लेगा, तो अब सबसे बेस्ट यही है इसको खत्म कर दिया जाए। ये बात जूलियस सीजर को पता लग जाती है, तो एक भयंकर तरीके से सिविल वॉर अब होने ही वाला है। जूलियस सीजर के पास लेकिन एक बहुत बड़ी चीज होती है जो युद्ध में हमेशा
परिणामों को बदल देती है, वो होती है आर्मी। जूलियस सीजर जबरदस्त तरीके से आर्मी को मोटिवेट करते हैं, वैसे ही आर्मी में उनका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसको देखिएगा जरूर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि किस तरह से जूलियस सीजर लॉयलिटी मांगते हैं कि बेटा तुमको मेरे खिलाफ लॉयल रहना है और ये प्रूव करो और बदले में मैं तुमको सारी लग्जरी दूंगा। बस सब खुश, जूलियस सीजर तो वैसे ही खुश, पूरी की पूरी आर्मी लेके रिवर क्रॉस करके, रूबिकॉन रिवर को क्रॉस करके जो कि इटली के बॉर्डर पे होती है, जबरदस्त तरीके से घुस जाते हैं। पॉम्पी के पास कुछ नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत सारे मेंबर्स को यह भी पता रहता है, काउंसिल के मेंबर्स को, कि यह बहुत बुरी तरह हारने वाला है, ठीक है। और पॉम्पी साउथ भागता है, जूलियस सीजर वहां से एंट्री करते हैं, पॉम्पी भागता है उनको फेस करने के, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। और 10 जनवरी 49 BC को जब विक्टोरियस लौटते हैं, वैसे ही भाई देखिए, जीत भले ही बहुत लोगों की लाशों पे आती है, मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, वैसे आज भी अगर ऐसा है कि कोई कंट्री किसी कंट्री को वॉर में हराती है तो डेफिनेटली वो लाशों पे आती है, ठीक है, उन बेगुनाहों की लाशों पे आती है। लेकिन जो देश जीता है उस देश के लोग तो आपको बहुत ज्यादा मानने लगते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि ये जो इंसान है वो वाकई में एक राजा की तरह है, ठीक है। तो ये जूलियस सीजर के साथ होने लगा था। रोम के लोग पूरा का पूरा जूलियस सीजर को सपोर्ट करने लगे थे, ठीक है। इसलिए पॉम्पी और भी घबरा गया था कि यह बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अब, तो भयंकर तरीके से सिविल वॉर छिड़ गई। जूलियस सीजर को यह भी पता था कि बहुत ज्यादा वो भी काफी अमीर हुए थे, और जो वहां की सेनेट थी, जो पूरी की पूरी काउंसिल थी, वो भी, उसने भी ऑर्डर दे दिया था, हालांकि वो पॉम्पी के ही अंडर थी, उसने भी ये ऑर्डर दे दिया था कि जब जूलियस सीजर आएंगे उन पे मुकदमा चलाएंगे, ठीक है। और जूलियस सीजर को भी ये पता लग गया था, तो सीजर ने अपनी, मतलब ऐसा ऑर्डर था कि सीजर तुरंत ही अपनी आर्मी को छोड़ दे, लेकिन जूलियस सीजर ने बहुत ही चालाकी से ऐसा नहीं किया और सब आर्मी वालों को ये समझाने में कामयाब हो गए कि मैं ही भविष्य हूं। अब इनके पीछे पूरी की पूरी आर्मी चलने लगी और सिविल वॉर हो गया। दूसरी चीज ये है, बताना चाहूंगा कि क्रैसस मर गया था, ठीक है। इसी गॉल में क्रैसस हो गई थी, बैटल ऑफ कैरी, उसमें मरा था। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत लोगों ने बेहतरीन आंसर दिए हैं, कमाल है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो उसमें इनकी डेथ हो गई थी, उस बैटल में मर गया था, ठीक है। अब सिर्फ पॉम्पी था, यही सोल पावर था इसको हराने के बाद, पूरा का पूरा रोम जूलियस सीजर का, ठीक है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लंबे चौड़े तो थे ही, रुतबा तो था ही, क्यों पीछे रहे, चलो ठीक है। तो पॉम्पी और जूलियस सीजर में भयंकर तरीके से युद्ध होता है। आपको एक चीज और बता दूं कि ज्यादा सेना नहीं होती है जूलियस सीजर के पास, लेकिन जब पॉम्पी हारने लगते हैं, जितनी भी सेना होती है बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करती है, और जब पॉम्पी हारने लगता है तब और भी लोग जूलियस सीजर को ज्वाइन करने लगते हैं, सबको पता होता है, ठीक है। इसमें सबसे जो मेन इंसान होता है ये मार्क एंटनी जो है ना, भयंकर तरीके से ये पावर में आता है जब जूलियस सीजर की मृत्यु होती है। देखिए क्या हुआ था कि अभी जूलियस सीजर को जब एसासिनेट किया जाएगा, जब उनकी बहुत ही षड्यंत्र जो रचा जाएगा उनके खिलाफ और उनको जान से मारा जाएगा, तब क्या होगा, पावर में फिर जंग छिड़ जाएगी और सेकेंड ट्रायम्वरेट बनेगा, ठीक है। अब उसमें दो मेन होंगे, क्योंकि जूलियस सीजर अपने मौत के बाद भी बहुत बड़ा खेल खेल गए थे, ठीक है। उन्होंने ऑक्टेवियस को बना दिया था, ठीक है, कि हमारा जो, मतलब जो रूल करेगा वो ऑक्टेवियस होगा, और ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी ने बोला कि भाई मैं सेकंड इन कमांड हूं, जूलियस सीजर के बाद मैं हूं तो मैं रूल करूंगा। तो इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता है, हालांकि अंत में जो जीत है वो ऑक्टेवियस की होती है और अपने आप को ऑगस्टस बोलता है, फिर वो एम्परर बनता है, वो एक अलग कहानी है, खैर उसकी बायोग्राफी पे हम नहीं जाएंगे और उस स्टोरी पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही चालाकी से जूलियस सीजर ने, बहुत ही दूरदर्शी इंसान था ये तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हुई, ठीक है। तो जुलाई 48 बीसी में इस बैटल ऑफ डायरेशियम में बहुत ही बारीक से जूलियस सीजर जो है वो बचते हैं, भयंकर तरीके से जन्म होती है इनके, जान पे बनाती है। लेकिन फिर बैटल ऑफ फेरेसलस होती है, उसमें पूरी तरह से पॉम्पी को हरा दिया जाता है, हालांकि पॉम्पी भाग जाता है, ठीक है, वो इजिप्ट भाग जाता है। हालांकि फेरेसलस की भी कहानी एक, इस पर पूरा सेपरेट ही लेक्चर है, बहुत ही जबरदस्त ये युद्ध हुआ था, ठीक है, और टैक्टिकली हराया था, लेकिन इजिप्ट भाग जाता है वो, ठीक है। अब क्या है, जूलियस सीजर ये सिविल वॉर बड़ी आसानी से जीत जाते हैं और सीजर डिक्टेटर हो जाते हैं, एक टोटलिटेरियन स्टेट की स्थापना हो जाती है। देखिए डिक्टेटरशिप क्या है, कि वैसे तो टोटलिटेरियन स्टेट बहुत ही खतरनाक साबित होती है, लेकिन यहां पे उल्टा हुआ।
जूलियस सीजर जब डिक्टेटर बने तो उन्होंने काफी रिफॉर्म लेके आए। उस समय तक इटली पूरी की पूरी तरह करप्ट हो चुका था, कुछ लोगों के हाथ में पावर थी, लेकिन वो लोग लोगों का भला नहीं सोच रहे थे, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, बहुत ही बुरी हालत थी। जूलियस सीजर पूरा का पूरा एक चेंज लेके आए थे, पूरा का पूरा एक रिफॉर्म लेके आए थे, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, इस पर भी हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए पोम्पी भाग जाते हैं इटली, अब इटली वो उसको चेस करते हुए जूलियस सीजर को इटली तक चले जाते हैं, ठीक है। अरे आई एम सॉरी, इजिप्ट भाग जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी मेरा स्लिप ऑफ टंग, वैसे तो आजकल तो काफी हो रहा है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। तो वो इजिप्ट भाग जाते हैं, पोम्पी जो है वो इजिप्ट भाग जाते हैं सिविल वॉर के बाद, जब वो हार जाते हैं। तो उन्हीं को चेस करते करते जूलियस सीजर इजिप्ट पहुंच जाते हैं। मेरा पहला सवाल, इजिप्ट की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब इजिप्ट में यहां पे इनकी मुलाकात होती है क्लियोपैट्रा से। देखिए, एक बहुत ही धूर्त और एक बहुत ही कनिंग और एक बहुत ही शातिर और एक कमाल की लेडी क्लियोपैट्रा, जो कि रूलर बनी बाद में, ठीक है, जूलियस सीजर की हेल्प से वो रूलर बनी इजिप्ट की, ठीक है। 18 साल की थी जब ये पूरी चीज हुई और जब जूलियस सीजर वापस आए थे। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। एक्चुअली क्या था कि उस समय जो राजा था वो था टोलमी 13, ठीक है, ये रूल कर रहा था उस समय इजिप्ट को। तो टोलमी 13 की बहन थी क्लियोपैट्रा। देखिए, टोलमी 12 की डेथ हो गई थी उस समय इजिप्ट में, और क्लियोपैट्रा और टोलमी 13 के बीच में जंग थी पावर की कि कौन लेगा। तो अल्टीमेटली इन्हीं की विजय हुई। देखिए क्या था कि क्लियोपैट्रा एक जबरदस्त एजुकेटेड गर्ल थी, ठीक है, फीमेल थी वो, बहुत ही गजब एजुकेटेड, समझदार और हर चीज में निपुण थी, ठीक है। लेकिन सिंस टोलमी 13 रूल कर रहे थे तो उसको एग्जाइल कर दिया गया था। अब ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है कि क्या हुआ था कि इजिप्ट में जब सीजर आए थे पोम्पी को परस्यू करते करते, तो वहां पे क्या हुआ था, इजिप्ट ने पोम्पी को पहले ही मार दिया था और उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था, ठीक है। तो अब क्या था कि जब जूलियस सीजर आए उनको खुश करने के लिए, इजिप्ट ने बोला कि ये देखो भैया, वहां के जो जनरल्स थे, तुम्हारे दुश्मन का हेड जूलियस सीजर का मूड खराब हुआ और जिसने भी उनका धड़ काटा था उनको मरवा दिया, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, ये पागल नहीं थे जूलियस सीजर, ठीक है, युद्ध था लेकिन उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, उस समय भी ये सारी चीजें चलती थी, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि जब जूलियस सीजर आए तो क्लियोपैट्रा ने ये सोचा कि बहुत ही बढ़िया, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लूं और सिविल वॉर करूं, अपने भाई को मारूं और वहां पे मैं इजिप्ट की रूलर बन जाऊं। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है कि जूलियस सीजर आए तो क्लियोपैट्रा उनसे मिलना चाहती थी, तो कारपेट लपेट के आई थी ताकि कोई पहचान ना पाए, मतलब सामान में आई थी कारपेट के साथ। तो जब उन्होंने वो कारपेट उतारा और जूलियस सीजर के सामने आए, जूलियस सीजर वहीं ढेर हो गए, ठीक है, और उनकी आंखों में वो ऐसा एकदम, एक तो ये भी बोला जाता है कि बड़ी अजीब टाइप की थी क्लियोपैट्रा, काफी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि भैया इन्होंने बहुत रूलर को मैनिपुलेट किया है, ठीक है। इसमें मार्क एंटोनी भी हैं, मार्क एंटोनी जो जूलियस सीजर के सेकेंड इन कमांड थे और बाद में क्लियोपैट्रा के बहुत ही गजब के एक प्रेमी बने, ठीक है, दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। तो पहले क्लियोपैट्रा जूलियस सीजर के बाद साथ थी, बाद में ये मार्क एंटोनी के साथ हो गई, ठीक है, अभी ये देखेंगे, वो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो क्लियोपैट्रा जूलियस सीजर के साथ आई, क्लियोपैट्रा महज 18 साल की थी, जूलियस सीजर 50 साल के थे, फिर भी दोनों में प्रेम होता है और भयंकर प्रेम होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नील नदी के किनारे रातों तक, दिन दिन भर तक ये छुट्टियां बिताते हैं, साथ में रहते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इधर टोलमी होता है, क्लियोपैट्रा बहुत ही चालाकी से जूलियस सीजर के साथ हाथ मिलाती है, सिविल वॉर लड़ती है और फाइनली वो जीतती है और रूलर हो जाती है इजिप्ट की, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी, ऐसा बोला भी जाता है कि क्लियोपैट्रा फिर आई भी, ठीक है, रोम भी आई, लेकिन रोम के बाहर ही उन्होंने जूलियस सीजर के साथ जो भी वक्त बिताया, और उनका एक बेटा भी था जिसको सेसेरियन बोला गया, ठीक है। जूलियस क्लियोपैट्रा ने एक बच्चे को भी जन्म दिया जो कि जूलियस सीजर का था, उसको सेसेरियन बोला था, ठीक है। तो ये चीज थी, मैरिज नहीं थी, दोनों में शादी नहीं हुई थी, लेकिन संबंध थे और बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे, ठीक है। तो ये चीज थी, और ये बैटल ऑफ द नाइल हुई थी, पूरी की पूरी तरह से वो जीते थे, ठीक है।
तो अब फिर जूलियस सीजर के बाद कुछ पचा नहीं था, जूलियस सीजर बहुत ही घमंड में थे, इतनी सारी जीते हैं। उसके बाद जूलियस सीजर फिर और आगे जाते हैं, मिडिल ईस्ट पे जाते हैं, वहाँ पे किंग पॉन्टस को पूरा का पूरी तरह से ख़त्म करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है कि ये बहुत ही आसान विक्ट्री थी, ये सब तो फालतू लोग हैं, तो काफ़ी घमंड में उस समय आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी और ये उनका पूरा कारवां चलता रहता है। फिर टार्सस से मिलते हैं, अफ्रीका जाते हैं और अपने भयंकर पूरा जो उनको इटली से पीछे से सपोर्ट मिल रहा होता है उसको गैदर करके वो एक के बाद एक के बाद एक विक्ट्री करते जाते हैं। ठीक है, और इसी बीच यहाँ पे इनको लाइफ टाइम के लिए एक तरह से डिक्टेटर बना दिया जाता है। बार बार देखिए इनको एक्सटेंशन मिलता रहता है, भैया सेनेट थी उस समय, ठीक है, तो 5-5 साल के लिए एक्सटेंशन मिलता रहता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपको पता है कि ऐसा बोला जाता है, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं बता रहा हूं, मैं एक चीज कही जाती है, ये जो पूरी सरकार की प्रक्रिया है, मतलब ये सेंट्रल और ये भारत में बता रहा हूँ, ये सेंट्रल और ये फेडरल सिस्टम, ये पहले ब्रिटिशर लेके आया भारत में, उससे पहले मुगल की थी, ठीक है, उससे पहले हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक महान इंसान चाणक्य, जो कि ऐसे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा आज दुख होता है कि क्यों भारत उनकी टीचिंग्स को या उनके अर्थशास्त्र को नहीं फॉलो करता है, हम क्यों वेस्टर्न मॉडल फॉलो करते हैं, उन्होंने आज से 2300 साल पहले ये सारी चीज़ें दे दी थी। ठीक है, हम इटली में देख रहे हैं, इटली रिपब्लिक है और उसमें ये पूरी की पूरी एक तरह से गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, बहुत ही कायदे से। लेकिन भारत में इससे भी पहले पूरा का पूरा एक ढांचा क्रिएट करके चाणक्य, एक जबरदस्त रूलर, राजा का हित प्रजा के हित में है, बोलने वाले गजब इंसान, ठीक है। बहुत जल्द उनकी बायोग्राफी लेके आऊंगा मैं कमाल के, क्योंकि इंडियन ऑलरेडी इंडियन सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि हर चीज में भारत सबसे आगे है और ये पूरी की पूरी सरकार का जन्म भारत में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ब्रिटिशर को ये सब पसंद नहीं था और हमको नीचा दिखाना चाहते थे, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये सब खैर वो तो हिस्ट्री है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचा। ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब यहां पे पूरी की पूरी तरह पावर में आ जाते हैं, डिक्टेटरशिप जो है भैया वो जूलियस सीजर की चली, मतलब शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे टोटलिटेरियन स्टेट तो बन जाते हैं, लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे वो बहुत ही ब्रूटैलिटी नहीं दिखाते हैं, वो बहुत ही समझदारी से, समझबूझ से एक नए रिफॉर्म लेके आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सब चीज, मिलिट्री को रिऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद फार्मर्स को काफी रिबेट देते हैं, टैक्सेशन को कम करते हैं, तो काफी अच्छे से चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है, क्या था कि उस समय रोम में काफी अनस्टेबिलिटी थी, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी, तो पूरी की पूरी तरह उसको रिऑर्गेनाइज करते हैं और जूलियस सीजर बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं, शायद उन्होंने क्या पता अर्थशास्त्र पढ़ी हो कौटिल्य की, अब भाई ये रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन हो सकता है, वैसे ऐसा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ भैया, सीरियसली मत ले लेना, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं पाया जाता, लेकिन जैसा कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, एग्जैक्टली जूलियस सीजर वैसा ही करते हैं। ठीक है, उन्होंने दो सिटीज भी बनाई, कार्थेज एंड कोरिंथ, ठीक है, ये दो सिटीज थी उन्होंने बनाई, बहुत ही बेनोवेलेंट थे, फार्मर्स की डेथ को उन्होंने नलिफाई किया और आर्मी को पूरा का पूरा लेके आए। ठीक है, उनका एक ही मकसद था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और पूरा का पूरा रोम जो है वो यूनाइट हो जाए, एग्जैक्टली यही चीज बोलते थे, एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे चाणक्य के, तो ये चीज किया। उसके बाद भैया जूलियन कैलेंडर, जो कि वेस्टर्न कैलेंडर से बहुत ज्यादा मिलता है, पहले क्या था कि जो ये कैलेंडर होता था ये साइज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मून के हिसाब से डिसाइड करता था, जब जूलियस सीजर आए तब मूवमेंट ऑफ द सन के हिसाब से हम मंथ्स को देखने लगे, 365 × 1/4 days, ये सबसे पहले इन्होंने ही निकाला था और उसी के बेसिस पे पूरा का पूरे कैलेंडर की स्थापना की थी। जो मंथ ऑफ जुलाई है ना वो जूलियस सीजर के नाम पे ही है। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रैंड नेफ्यू गायस ऑक्टेवियस, जो कि आए उसके बाद, यही गायस ऑक्टेवियस थे कि जब जूलियस सीजर की मृत्यु हुई अपना दावा पेश कर दिया कि मैं हूं सक्सेसर इटली का। इधर जूलियस सीजर के सेकंड सबसे जो सेकंड इन कमांड थे मार्क एंटोनी, जिन्होंने बहुत ज्यादा जूलियस सीजर का साथ दिया था, उन्होंने भी अपना दावा पेश कर दिया। दोनों में भयंकर तरीके से बाद में सिविल वॉर हो गई। ठीक है, और मार्क एंटनी ने क्लियोपेट्रा से बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से शादी की, जबरदस्त तरीके से तो नहीं, मतलब शादी की उनसे। ठीक है,
जबरदस्त कहने की एक्चुअली मुझे आदत है ना, तो उनसे शादी की और उनसे वेड किया और एक बहुत ही अच्छा अलायंस बनाया, लेकिन अल्टीमेटली इसमें जीत जो हुई वो गायस ऑक्टेवियस की हुई, जिन्होंने बाद में अपने आप को एम्परर घोषित किया, राजा घोषित किया, और ऑगस्टस सीजर के नाम से वो इस नाम से वो जाने गए, ठीक है। उसके बाद फिर यूनिफिकेशन इटली, वो बहुत बाद में गैरिबेल्डी का आना, मजीनी का आना, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है, उनके बारे में भी मैं बहुत जल्द बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज थी, तो सीजर जो थे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे, एक रिपब्लिकन मशीनरी जो पूरी तरह से टूट गई थी उसको पावर में लेना चाहते थे। तीन चीजें वो बोलते थे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि पूरी की पूरी जो आर्म्ड रेजिस्टेंस था वो उन्होंने प्रोविंसेस में क्या किया, हटा दिया था, ठीक है, और एक ऑर्डर दे दिया था। देखिए क्या हुआ था कि उस समय काफी अनस्टेबिलिटी थी, ठीक है। अब रोमन्स को शांति चाहिए थी, आर्मी को हटाओ, पब्लिक को दे दो सारी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रोम में बैठा दी, ठीक है, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविंसेस को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए क्या था उस समय, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उस समय जो था इटली वो सिंगल प्रोविंस नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अब भाई यही होता है जब सिविल वॉर होता है ना, तो सब अपनी चलाते हैं, तो इंडिपेंडेंट हो गए थे प्रोविंसेस, और वहां पे खुद के गवर्नर थे, वो पूरा का पूरा उसको रूल करते थे, इसको खत्म करना चाहते थे, और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर बना के वो कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि एक ये जो स्टेबिलिटी है वो बहुत दिनों तक बनी रहे, और इसमें कामयाब भी हुए वो। अब इनके असासिनेशन पे देखते हैं, ये बहुत ज्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि 15 मार्च 44 BC ऐसा डेट बोला जाता है, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। अब क्या था कि इनको अपीयर होना था सेनेट में, ठीक है, और सेनेट पूरे के पूरे वहां के मेंबर्स समझ गए थे कि अगर ये रहा तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको हटा दो, इनके खिलाफ कंस्पिरेसी की। सीजर सेनेट में आए और वहां पे काफी लोग थे, ठीक है, और एक के बाद एक एक्चुअली समझ नहीं पाए हुआ क्या है। एक्चुअली सेनेट में वो एक केस देखने आए थे, तो कैस्का ने तुरंत ही एक डैगर निकाला और उनके नेक पे, वो कैस्का जो मेंबर थे उनके नेक पे मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक सीजर ने वो हाथ पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही सीजर ने हाथ पकड़ा, और भी बहुत सारा जो पूरा का पूरा ग्रुप था, जिसमें ब्रूटस भी था जो मेन बेसिकली था कॉन्स्पिरेटर, उसने पूरी की पूरी तरह से सीजर को, जितने भी वहां पे लोग थे, मारना शुरू कर दिया, और चक्कुओं से 27 वार किए गए थे ऐसा बोला जाता है, और सीजर ने अपने मुंह को ढक लिया था ताकि उनकी आखिरी समय में, मतलब उनको मरते हुए कोई ना देख सके, तो उन्होंने वो जो टोगा था वो उठा के अपने मुंह पे रख लिया था, और फाइनली 60 आदमियों ने मिलके इस शेर की हत्या की थी, ठीक है। तो ये चीज थी, तो बहुत ज्यादा रूल तो वो नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, महज 4 साल ही उनको मिले थे, लेकिन उसमें काफी उन्होंने अच्छे से चीजों को हैंडल किया था। तो ये चीज थी, तो फाइनली उनकी डेथ होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। देखिए जूलियन कैलेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले जो कैलेंडर था वो मून के मूवमेंट से देखा जाता था, उसके बाद जो कैलेंडर जूलियस सीजर ने रिप्लेस किया उसको जूलियन कैलेंडर बोला गया, और उसको फिर सन के हिसाब से रेगुलेट किया गया। और मैं ऑलरेडी बता चुका था अभी 365 1/4 डे जो लीप ईयर होता है, वो पूरा का पूरा जो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर है वो जूलियस सीजर या जूलियन कैलेंडर से बिल्कुल मेल खाता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैलेंडर भैया, क्योंकि हर जगह यूज होता है। अब फाइनली लास्ट में हम आगे इसके बाद क्या हुआ, देखिए तुरंत ही जूलियस सीजर के बाद दूसरे लोगों ने अपना क्लेम करना शुरुआत कर दी, लेकिन जूलियस सीजर ऑलरेडी गायस ऑक्टेवियस को बना के गए थे, जो उनका ग्रैंड नेफ्यू था, उसने छेड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई थी कि जो ऑक्टेवियस था वो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस था और काफी लैविश लाइफ जीता था, मार्क एंटनी इधर भी काफी लैविश लाइफ जीता था, लस्टी लाइफ जीता था, तो दोनों में एक पावर स्ट्रगल हुई। बहुत ही अलग कहानी है ये बेसिकली, इसके बाद क्या हुआ, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि लंबी हिस्ट्री है अगर रोमन एम्पायर की देखें। उसके बाद फिर तीनों एक कंक्लूजन पे आए कि लैपिटस, मार्क एंटोनी और गायस ऑक्टेवियस, और तीनों ने मिलके फिर सेकेंड ट्रायम्विरेट बनाया, हालांकि वो बहुत दिनों तक नहीं चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मार्क एंटोनी और गायस ऑक्टेवियस डायरेक्टली भिड़ गए। मार्क एंटोनी इधर क्लियोपेट्रा से जाके मिले, क्लियोपेट्रा से उन्होंने शादी की, उसके बाद फिर गायस ऑक्टेवियस ने मार्क एंटोनी को हराया, मार्क एंटोनी ने फिर इजिप्ट में सुसाइड कर लिया, ठीक है, मार लिया अपने आप को, और वहीं पे क्लियोपेट्रा ने भी अपने आप को मार लिया कि भैया अगर मार्क एंटोनी जिंदा नहीं है, जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर गायस ऑक्टेवियस को पूरा का पूरा रूल मिला और उन्होंने फिर रूल किया 27 BC के बाद और रोमन एम्परर बने। तो ये चीज है, हालांकि इसके आगे की स्टोरी बहुत ही लंबी और बहुत ही
कॉम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन काफी लंबी है, किसी दिन हम उस पर और बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने लेक्चर को यहीं तक ही सीमित रखना चाहूंगा। इनकी डेथ के बाद, जैसे ही जूलियस सीजर की डेथ हुई, इनको तो गॉड की उपाधि दे दी गई और टेम्पल्स भी बनाए गए, मंदिर भी इनके नाम पर बनाए गए। काफी लोगों ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाया, रैट्स हो गए, ठीक है। लेकिन ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जूलियस सीजर डेफिनेटली इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थी, ये मेरे लेक्चर का एंड है। अगला जो लेक्चर होगा वो एक ऐसे इंसान पे होगा जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, और हम उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, जो कि मुझे काफी दुख होता है, और हिंट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे जबरदस्त साम्राज्य बनाया और पूरे भारत को जीत लिया। अगर वो चाहते तो पूरी दुनिया को जीत सकते थे, लेकिन उनका सिर्फ जो उस समय मोटिव था वो भारत ही था, जब भारत महाजनपद में डिवाइडेड था। गजब के एजुकेटर, कमाल के थिंकर, ऐसे इंसान सदी में बहुत कम होते हैं, हजारों साल में एक बार पैदा होता है। कौन है वो, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 50% क्विक रिमाइंडर, 50% डिस्काउंट हमारे पेनड्राइव कोर्सेज पे, इनको जरूर अवेल कीजिएगा डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।